Fischgott. Hoi. Fischgott. Hoi. Fischgott. Hoi. दुर्गा पूजा परिवार के साथ मनाने आने वाले थे, मगर आए तिरंगा में लिपटकर। जयगांव थाना के अंतर्गत हांसीमारा आउटपोस्ट थाना के अधीन मधु चाय बगान के रहने वाले सेना के जवान बिमल उड़ाव का पार्थिव शरीर आज 12 बजे के करीब उनके घर पहुंचा। इधर शहीद सेना के जवान बिमल उड़ाव की एक झलक पाने के लिए हांसीमारा से लेकर मधु चाय बगान उनके घर तक भारी संख्या में लोग हाथों में फूल तिरंगा लेकर खड़े थे। इधर 11:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर ओल्ड हांसीमारा पहुंचा, जहां उपस्थित भारी संख्या में लोगों के द्वारा बिमल उड़ाव अमर रहे, जय हिंद भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। इधर उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर की ओर बढ़ा तो बाइक में सवार लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। इधर महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आधे घंटे से अधिक समय लगा और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके बचपन में शिक्षा लिए मधु हाई स्कूल पहुंचा, वहां के शिक्षक विद्यार्थी रोने लगे और उन्हें नम आंखों से विदाई देने लगे। इधर थोड़ी ही देर में उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जहां उनकी माँ, पिताजी, धर्मपत्नी, उनके परिवार के सदस्य, गाँव के लोग, दोस्त सभी रोने लगे और अपने वीर पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। इधर करीब 1 घंटे तक उन्हें देखने और उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को बसरा नदी तट पर ले जाया गया, जहां सेना के द्वारा उन्हें तोप की सलामी दी गई। इस जगह विभिन्न कार्यक्रम के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को आदिवासी नियम के तहत मिट्टी में दफना दिया गया। स्थानीय निवासी प्रकाश लोहार, सपन भगत, प्रिया बारा ने बताया कि 5 अक्टूबर को वह छुट्टी में आने वाले थे। इस जगह परिवार और दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा मनाने का इरादा था, मगर 4 अक्टूबर को यह घटना हो गई। उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है, वह भी दिव्यांग है। मात्र 2 साल बाद उनका सेवानिवृत्ति होने वाला था, इससे पहले ही एक बड़ी आपदा उनके परिवार पे गिर गई। उन्होंने कहा कि बिमल उड़ाव हमेशा हम सब के दिल में रहेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो शहीद वीर जवान बिमल उड़ाव जी का पार्थिव शरीर जो है अब आगे दाह संस्कार के लिए आगे बढ़ रहा है और वीर हमारे सैनिक जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनका जो पार्थिव देह जो है उनके निज निवास से अब आगे की ओर बासरा घाट की ओर बढ़ रहा है। और आप तो यहाँ पर जो है पूरे उनके जो निवास स्थान के जो लोग जन है सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जो है इनका पार्थिव देह जो है अब आगे बसरा घाट की ओर बढ़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर पहले इनका पार्थिव शरीर जो है उनके निज निवास मधु चाय बगान के तुलसी लाइन में पहुंचा। अब जो उनका पार्थिव शरीर जो है घाट के लिए आगे बढ़ रहा है और यहाँ आप देख पा रहे हैं उनके गांव में जो है भारी संख्या में लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे और चारों ओर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और बिनोद उमा पूरा अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर संगीत है। भैया जो इंडियन आर्मी में था वो मुझे पता है और काफ़ी साल से कम 17 साल हो गया था और 2 साल शायद रिटायरमेंट के लिए बचा हुआ था।
और इस कारण से हम लोग को दो दिन पहले पता चला कि भाई वैसे होगा, और इतना ही बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हम सुने 5 तारीख को छुट्टी में भी आने वाले थे, 5 तारीख को छुट्टी में आने वाले थे और इससे पहले भी छुट्टी में आए थे ऐसे ही सुने हम, और इससे पहले तो भी ये लोग वहाँ शायद PW में घर बनाए हैं वहीं पे थे, और उतना ही मालूम है मुझे। कितना दिन पहले आए थे लास्ट घर? उतना मैं नहीं जान पाऊंगी क्योंकि मैं तो यहाँ सामने को नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर की हूँ, इसलिए पता है थोड़ा बहुत। आपका नाम? प्रिया बारा। कहाँ से आए? मैं यहीं की हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता चला ये घटना के बारे में? जैसे कि आज 6 तारीख है तो 4 तारीख को जैसे आए थे शाम को, और जैसे शायद फाउजी कैंप से ही आए थे 4 गाड़ी जैसे बताए, पर और बोल रहे थे कि नहीं मिल रहा है भैया, और कल रात को आए थे बोला कि मिला, कि मिल गया है बोल के, वैसे ही इतना ही पता है, पता चल गया। कल रात को ही पता चला, जैसे हम लोग को तो न्यूज देखते हैं इसलिए सुबह में ही पता चल गया, मगर कंफर्म मिल गया बोल के वो कल रात को ही आके खबर दिया सर। घर वालों को नहीं बताया गया? घर वालों को नहीं बताया गया, नहीं रात को बताया गया, जैसे कि बड़ी माँ को और भाभी को रात को ही बताया गया। उनके घर में कितने परिवार हैं? उनके घर में उसका भाई है और बड़ी वाली भाभी है, उसकी मम्मी है, पापा है, और बड़ा वाला भैया का जो बेटा है वो भी हैंडीकैप ही है, और छोटा वाला का कितना है वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा भैया, ये घटना के बारे में क्या बोलिएगा आप? हम तो डिटेल नहीं जान रहे, फिर भी बीते कल हम लोग सोचा तो उसका छुट्टी लेने के बाद था, 5 तारीख का छुट्टी शायद डेट लिया था वो आने के बाद था, लेकिन घटना तो 4 तारीख हो गया, यही बात है। 5 तारीख को यहाँ छुट्टी में आने वाले आने के बाद था, फिर नवरी तक आके वहाँ से आने के बाद था। যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের জওয়ান আমাদের বাগান থেকে যে বিমলদা যে মধুর চা বাগান থেকে উনিও ওনার ডিউটি ওখানে ছিল, আমরা 5 তারিখে শুনতে পারি যে সিকিমে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের বাগানের যে দাদা বিমল ওরা উনি আর্মিতে চাকরি ছিলেন, মোটামুটি ওনার যেভাবে আমাদেরকে মানে খবর দেয় ওনার মানে ইয়ে থেকে ক্যাম্প থেকে পাওয়া যায় খবর যে আর বিমলকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই আমাদের মনে খুবই একটা পুরো বাগানে মানে দুঃখের মানে কথা শুনে পুরো ইসে হয়ে গেল, ঘটনা শুনেই মানে পুরো খুবই বাগানে একটা দুঃখী ছিল। আর আজকে ওনার বডি বেনাগুড়ি ক্যাম্প থেকে আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করা হলো, আর আমরা আজকে পুরো বাগান আজকে চা বাগানের যে কর্মচারীরা নিজেরাই ছুটি আছে ঘোষণা করছে বিমল ওরাকে সে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, আর পুরো গ্রামবাসীর সাথে সাথে পুরো দুয়ারশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে আজকে সে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিমল ওরাকে আসছে। আপনার নাম? প্রকাশ রায়।